आप देख लीजिए जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं तमाम सारी, कहेंगे हम ये अम्बेडकरवादी संस्था है, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, अंदर घुस करके देखिए तो उन्हीं की जाति के लोग पदाधिकारी बन के बैठे हुए। एक दलित दूसरे को देता नहीं मानता, लेकिन एक दलित बड़े आराम से किसी मराठा को किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को मान लेता है। बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों को बोल करके हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया। आज अंबानी अडानी के पास इतनी ताकत है कि आपकी संख्या धरी रह जाएगी, पूरा चुनाव पलट सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ हमारे लोगों से वोट लेते हैं, हम ही को मारेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पांव धो लेते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करूंगा कि ये जो नया युग आया है टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, उसमें आप लोगों ने बहुजन समाज की जो आवाज़ उठाई, समाज सदा आप लोगों के लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, सोशल मीडिया आई, उसी समय इत्तेफाक की बात है कि गोदी मीडिया अर्थात टेलीविज़न अखबार पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की आवाज़ उठाना बंद कर दिया। तो मैं धन्यवाद करूंगा, और आज़ाद भारत से लेकर के इतना बड़ा मुद्दा, अभी तक बाबा साहब को सम्मान देने का नहीं उठा होगा। जब नई संसद भवन बनने लगी तो हमें मालूम था कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। गोलवलकर का नाम, दीनदयाल उपाध्याय का नाम, एसपी मुखर्जी का नाम, कुछ भी नाम से नई संसद का उद्घाटन कर सकते हैं। जो 23 एम्स का नाम बदलना, एक बार में जो 23 एम्स का नाम बदलने का प्रस्ताव कर सकता है, ये तो मामूली चीज है। गोलवलकर पार्लियामेंट हाउस करना, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करना, और जो संसद, जो पुरानी संसद है डेनमार्क और दूसरे देशों में, 400 वर्ष की पुरानी संसद में काम चल रहा, उसको त्याग करके नया संसद बना सकता, तो नाम रखना कौन सी बड़ी बात हो। तो इस खतरे को भांपते हुए हम लोगों ने 10 दिसंबर 2000 को जब कोरोना चरम सीमा पर था, तो डिमॉन्स्ट्रेशन करके सरकार को जताया था कि बाबा साहब का नाम ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम नई पार्लियामेंट का हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता तो है ही है। दबे कुचले पिछड़े महिलाओं की आवाज़ है, न्याय एक लीगल रिम्यूनरी है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस नाम होना चाहिए। एक काम तो हो गया कि अशोक की लाट लग गई, तो दूसरा काम जो बड़ा है वो क्यों बाकी रह जाए कि बी आर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। यही मांग है। 15 अक्टूबर तक हम लोगों ने डेट दिया है, नहीं होता फिर 28 नवंबर को बड़ी रैली हम करेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर राज का, जो तेलंगाना के अध्यक्ष हैं उन्हों, और जो बड़े क्रांतिकारी गीतकार हैं गदर का, जिन्होंने तेलंगाना असेंबली में आवाज़ उठवाई, और के चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया है कि नई संसद भवन, जो कि कभी भी उद्घाटन किया जा सकता है, इसका नाम बी आर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। तो मैं पूरे
देश के बहुजनों से अपील करूंगा कि यह किसी एक संगठन का नहीं है, सब लोग अपने स्तर पर, यह हैंडबिल छपा हुआ है, नामकरण समिति बनाएं, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और गाइडलाइंस के लिए परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा जी से संपर्क करें, क्योंकि उनका इसमें सबसे ज़्यादा अथक प्रयास है, और संपर्क करने के लिए, जानकारी के लिए 8789325595 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। 8789325595 टेलीफोन पर संपर्क करें, तो एक बहुत बड़ा अभियान है, पूरे दुनिया देखेगी, पिया पार्लियामेंट, अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस, तो पूरे सभी समाज, चाहे वो मायावती जी हों, रामदास अठावले जी हों, छोटे संगठन हो, बड़े संगठन हो, एक किसी की बपौती नहीं है, उदित राज की नहीं है, हमारे साथी बीपी सिंह की नहीं है, महेश्वर राज ओम सुधा की नहीं है, किसी का एक का नहीं है, सब का है। सब अपना सोशल मीडिया पर डालें, सब लिखें, सब नई संसद भवन निर्माण समिति, नामकरण समिति का लेटर हेड छापें, लोगों के पास जाएं, यही मैं अपील करता हूं, और इससे बाबा साहब की विचारधारा फैलेगी और भारत देश की उन्नति होगी। भारत देश की उन्नति में बाबा साहब के विचारों को फैलाना जरूरी है। आज इस देश में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20-22% है। ऐसा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में नहीं होता है। तो यही मैं अपील आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से कहूँगा, करूँगा। आप लोगों के भी चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, टेलीविजन देखना बंद करें, अखबार पढ़ना बंद करें, तो आप देखेंगे कि जो धर्मांधता है, जो निजीकरण बढ़ता जा रहा है, हमारे लोग भी उसी में भ्रमित हो गए हैं। नौकरियां खत्म होती जा रही, शिक्षा हमसे दूर जा रही है, वो भी लड़ाई इसी में हम लड़ सकेंगे। धन्यवाद। उत्तर भारत से आवाज़ आएगी, जहां गजेंद्र जी हैं और आप सब लोग हैं, अभी शुरुआत हुई है, उत्तर भारत के आएगी। उत्तर भारत में गजेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश में भी लगातार तमाम सारी घटनाएं हुई, 4 बलात्कार की घटनाएं 2 ही दिन में हुई थी। देखिए, सरकार किसी की आए, जो कि भेदभाव का जड़ है समाज में, राजनीति में नहीं, संविधान में नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, बे भय न हो, वह आपत्तिजनक बात है, और दूसरी तरफ सशक्तिकरण न हो। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, वहां दलितों का सशक्तिकरण हुआ है। यहां पर क्या हुआ, सभी उपजातियों को कहा गया अपनी जाति को गुलबंद करो, उस गुल और सब जातियों को जोड़कर एक बहुजन बनाया गया। यहां तक तो मैं समझता हूं ठीक है, लेकिन जब उनमें एक चेतना हो गई, हर जाति के एक नेता या 2 नेता 4 को कह दिया अपनी जाति के लिए भागीदारी के लिए, वो भागीदारी नहीं मिली तो अपने बिरादरियों को, जातियों को लेकर के कहीं भाजपा में चले गए, कहीं सपा में चले गए,
और इसमें जो व्यक्ति विशेष एमएलए एमपी बनने का जो एक ह्यूमन नेचर होता है उससे क्या है कि आपस के अंदर जातिवाद ज्यादा बढ़ गया। चले थे समाज का उद्धार करने और बट गया समाज, इसलिए जो समाज बटा हुआ है वो न बटे। जालौर में कांड होता तो भाग के लोग जाते हैं, जब कोई अत्याचार होता है तो भागते हैं, वहां पर मीडिया बहुत होती है, अखबारों में नाम आ जाता है, टेलीविजन पर आज चर्चा हो जाती। जब लाखों लाख नौकरियां खत्म होती हैं तो क्यों नहीं होता? स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाखों करोड़ का बजट का है, वो मार दिया जाता तो समाज इकट्ठा नहीं होता। तो भावनात्मक रूप से लोग भाग जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात, आरक्षण की बात, नौकरी की बात और स्पेशल कंपोनेंट की बात, आर्थिक विकास की बात के ऊपर दलित समाज भी मौन रहता है, इकट्ठा नहीं होता। एक बहुत बड़ा विमर्श है जिस विमर्श को आगे हमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो हम भावनात्मक मुद्दों पर कभी कभार इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब राजपूत और ठाकुर या ब्राह्मण जब जातिवाद करे तो हम चिल्ला पड़ते हैं, और हम जब जातिवाद करें खटिकवाद, वाल्मीकिवाद, बलाईवाद, मेघवाल और बैरवा और माला माजिका मातंग महार बात करें तब ठीक है, वो अंबेडकरवाद है। हमारा जातिवाद अंबेडकरवाद है और उनका जातिवाद मनुवाद है। आप देख लीजिए जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं तमाम सारी कहेंगे हम ये अंबेडकरवादी संस्था है, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। अंदर घुस करके देखिए तो उन्हीं के जाति के लोग पदाधिकारी बन के बैठे हुए, ये मंच पर उतरते ही खोजने लगते हैं कि अगर पता नहीं है जाति तो पता लगेंगे भैया ये कौन है, धानुक है कि पासी है कि पासवान है, कौन है। यही है बहुजन आंदोलन, इसके वजह से हम बर्बाद हो गए। और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इसको नहीं खत्म किया तो संविधान भी जाएगा, आरक्षण भी जाएगा। वैसे भी भारत का भविष्य दिख नहीं रहा, जिस तरह से भारत के लोगों की सोच हुई है, नफरत, अफवाह, झूठ, हिंदू खतरे में है, भारत का भविष्य नहीं नजर आता, और उसमें दलितों का, आदिवासियों, पिछड़ों का भी भविष्य तो और ही खराब है। निजीकरण हो जाए पूरा, हो ही रहा है, सारे बैंक बिक रहे हैं, सारे विभाग का निजीकरण हो रहा, तो हमारे पास रह क्या जाएगा? हम भी जिम्मेदार, हम ही लोग जिम्मेदार। हम जातिवाद करें तो ठीक, हम इकट्ठा ना करें। आपके नाम पर आवाहन कर दिया जाए, कोई नहीं होगा, रवीश कुमार के पीछे सब भागेंगे, आपके पीछे नहीं भागेंगे। एक दलित दूसरे को देता नहीं मानता, लेकिन एक दलित बड़े आराम से किसी मराठा को, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को मान लेता है, बड़े आराम से, स्वाभाविक तौर से। तो हम लोग आपस के अंदर आपस में ही तो लड़ रहे हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जो ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो भाई, ब्राह्मणों को गाली दे दे करके हम अपने मुद्दे की लड़ाई भूल गए हैं, हम अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके लड़ाई, उनको गाली दे करके हम कौन सा भला कर गए भाई? हम अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी बात कहें, हम अपने अधिकार के लिए इकट्ठा करें। कुछ लोग हैं बड़े बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे, हम ये कर देंगे, ये देश से आए थे, बाहर से आए थे, ये इनको फिर से वापिस भेज देंगे। ये भावनात्मक बातों में जो लोग आ रहे हैं वो हमारे जो मुद्दे हैं, जमीन का मुद्दा, स्कॉलरशिप का है और हमारे नौकरी का है, शिक्षा का है, आर्थिक सवाल है, सारा मुद्दे हमने गड्ढे पर गाड़ दिया है। जब आदमी को खाने को नहीं होगा,
शिक्षा नहीं होगी ना वो बौद्ध धर्म पहुंच समझ पाएगा, न मौलवादियों से लड़ने के लिए सशक्त हो पाएगा, न सोच पैदा हो पाएगी। भावनात्मक रूप से तो लोगों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों को बोल करके हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया, कुछ लगता ही नहीं आगे इमोशनल बात करके। जाट के खिलाफ में 36 जातियां इकट्ठा हो जाती हैं बड़े आराम से। क्रिश्चियन के खिलाफ क्रिश्चियन को दुश्मन बना दो, हिंदी इकट्ठा हो जाए। तो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल करके आप दलितों को इकट्ठा कर लो, या बैकवर्ड को खिलाफ बोल करके। इमोशनल कार्ड खेलने में कितना टाइम लगता है, लोग तो जान दे देते हैं इमोशनल कार्ड पर, पूरी ताकत लगा देंगे। तो उससे हमें निकलना पड़ेगा। बाबा साहब ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और ब्राह्मणों को गाली देने में या ब्राह्मणवाद के गाली देने में उन्होंने समय नहीं खराब किया, विश्लेषण जरूर किया। लेकिन जब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो आरक्षण किया, इवन ठेकेदारी में किया, स्कॉलरशिप का प्रावधान किया, नौकरियों में आरक्षण दिया, प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी का भी प्रावधान किया था उन्होंने, CPWD वगैरह में। उसके बाद संविधान बनाया, उसके बाद में बौद्ध धर्म परिवर्तन किया, सारे रचनात्मक कार्य। देखिए ऐसा है कि मैंने जवाब दे दिया, वो परिस्थिति बदल गई है और अब समय बदल गया, तो परिस्थिति बदलती है, परिस्थितियां बदलती है। कौन जानता था कि आकर के प्राइवेटाइजेशन होना शुरू होगा, वो दौर अलग था, ये दौर अलग था। आज अंबानी अडानी के पास इतनी ताकत है कि आपकी संख्या धरी रह जाएगी, पूरा चुनाव पलट सकते हैं। तो एक बात यह भी थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी भागीदारी। आज पूरा टेलीविज़न, अखबार से, सोशल मीडिया से, पैसे से, ईडी से, CBI से आपकी संख्या भी रहेगी तो आप नहीं चुनाव जीत पाएंगे। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं। बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जाति विहीन समाज बनाओ, जाति का उन्मूलन करो। यहाँ जाति का उन्मूलन नहीं, जातिवाद बढ़ाया, यह कारण है, मुख्य कारण है। ठीक विपरीत जो बाबा साहब ने कहा, ठीक विपरीत बहुजन आंदोलन ने उसको किया और नाम दे दिया डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज का। किया काम विपरीत में और कहा लिया नाम उनका। भाई 48 घंटे में मैं पार्लियामेंट में था, लोकसभा राज्यसभा दोनों में वो बिल पास हो गया। अभी तक तो 1992 के बाद में जो एक लक्ष्मण रेखा बनी थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और दलित नेताओं ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं पार्टी मेरा करके सपोर्ट नहीं कर पाया, मेरा मतलब जमीन नहीं अलाउ किया। यानी 48 घंटे में सवर्णों को आरक्षण मिल गया, फिर वो 50% की सीमा टूट गई, 60% हो गया। पहले तो लग रहा था कि 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ये जो पत्थर की लकीर है इस लकीर को तो क्रॉस नहीं किया जा सकता। जब सवर्णों को देने की बात आई तो लकीर का नाम ही लेना लोगों ने भूल दिया। मुझे उम्मीद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इनको स्टे करेगा। उम्मीद नहीं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अरे भाई, अब मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था 2 साल के लिए, और तमाम जगह पर 27% आरक्षण हुआ, और जगहों पे स्टे है, लेकिन अभी तक तो सवर्णों का आरक्षण के ऊपर या अधिकार के ऊपर स्टे नहीं हुआ है। अगर होगा तो पहले बार होगा, रहेगा भी तो क्या कर लेगा। KG बालाकृष्ण ने जितना नुकसान किया उतना किसी ने किया ही नहीं। 3.5 साल तक चीफ जस्टिस रहे, उसमें मेरी भी भूमिका है और रामनाथ कोविंद की भी भूमिका है। हम लोग राष्ट्रपति नारायणन जी से मिलते थे, फाइल वापिस किया था। जितना सत्यानाश KG बालकृष्णन ने किया किसी ने नहीं किया। KG बालकृष्णन से अगर कोई नमस्कार भी करता है बहुजन वाला
तो मैं समझता हूँ कि महा मूर्ख है। नागराज के केस में बैठे हुए थे, तमाम सारे केसेस में बैठे थे, ये आदमी बोला नहीं, आरक्षण के पक्ष में एक फैसला नहीं दिया है के जी बालाकृष्णन। अहमदी 6 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे, अल्पसंख्यकों को उन्होंने प्रमोट किया, और एक टाइम ऐसा है कि 6 चीफ जस्टिस अल्पसंख्यक समाज के हुए। अहमदी से मेरी बात हुई एक बार, मैं ट्रेवल कर रहा था, कहा इस आदमी ने केवल इसको अखबार में मीडिया में जाने का शौक है, और एक खुद आदमी बोलता है इसका ही जज खंडन कर देता है, सारे जजमेंट खिलाफ जा रहे हैं, एक्सेप्ट कि एक बड़ा जजमेंट हमने बचाया था नागराज का, 85th अमेंडमेंट को स्टे दिया है, और ये जो उत्तराखंड वाला था 2020 मार्च में इसको पदोन्नति में आरक्षण को मुकदमा हार गया। देखिए उनके उनकी जरूरत पड़ेगी तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे, उनको वोट लेना है, वोट लेकर के ही नफरत फैलाते हैं ना, तो वोट लेंगे उन्हीं को मारेंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ हमारे लोगों से वोट लेते हैं, हम ही को मारेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पांव धो लेते हैं, और आरक्षण खत्म करते रहते। तो जाना तो एक मतलब है कि खतरा और है, छल कपट और है कि वोट भी खींच लिया, सत्ता में आएंगे तो इनको मारेंगे सत्ता। ये तो कांग्रेस की गलती है और पार्टियों की भी गलती है, उनको राजनीतिक समीकरण बनाना चाहिए, वोट बैंक का समीकरण बनाना चाहिए, वो नहीं बनाते, ये बना रहे। अरे वो उन चमचों के बारे में मैं क्या कहा जा सकता, इन चमचे पूरा समाज तो नहीं बोल रहा, चमचे बहुत लोग हैं, चाटुकार चमचे स्वार्थी। मैं कहा तो इसका जवाब मैंने दे दिया, मीडिया उन्हीं की है, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का, क्या ट्रायल करेंगे।